20 सीट महागठबंधन बिहार में जीत पाती तो निश्चित रूप से एनडीए 272 के बेंचमार्क से पीछे रह जाता और देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने का काम आसानी से आपको दिख रहा होता। अगर और निश्चित रूप से आज अगर मोदी जी सत्ता में बरकरार रह जाते हैं या दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी गलती तेजस्वी यादव को और स्वीकारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप पे भरोसा करके वोट दिया था उस वोटों का जो आपने बर्बाद करने का काम किया और आपकी स्ट्रैटेजी आपकी पॉलिसी खराब होने के कारण आज जो 270 का जो 2 का जो बेंचमार्क जो क्रॉस कर गए उसकी भी जवाबदेही आपकी है और वो समाज खासतौर से मुस्लिम समाज इसका जवाब आपसे विधानसभा में भी पूछेगा कि आपको हम किस ट्रस्ट के ऊपर वोट करें। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में अब देश में कौन आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, क्या अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या अगला प्रधानमंत्री बिहार से नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के एक MLC खालिद अनवर साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बढ़िया PM मटेरियल इस देश में कोई नहीं है और NDA में सबसे बेहतर कोई है तो वो है नीतीश कुमार। ये सारा चीज हो रहा है, अभी भी बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पाए हैं। हालांकि NDA को कहा जा रहा है कि 290 सीट आ रहा है और इधर जो बातें कर लिया जाए इंडिया गठबंधन के तो इनके पास में कह रहे हो कि 235-236 के सीट इनके पास में है। तो हमारे साथ में सहान परवेज राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर में देश में किसका सत्ता आने वाला है और सत्ता क्या बदल रहा है, इस बार NDA का ही सरकार होगा और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे ऐसा लग रहा है आपको सहान जी? देखिए, ये जल्दबाजी होगा कहना कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे, अभी पूरी तरह से आंकड़ा सामने आ जाने के बाद ही इस बात को कहा जा सकता है। और जिस तरह का रुझान अभी आ रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या NDA अलायंस जो है वो 280 सीट के आसपास अगर आ जाती है तब शायद ऐसा माहौल बन सकता है या बनाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हुए देखा जा सकता है, मगर शायद अभी कहना बहुत जल्दी होगा, बहुत इनिशियल फेज़ है और अभी देखिए समीकरण बहुत बदलेगा, बहुत चीज़ें बदलेगी, मगर हॉर्स ट्रेडिंग होगा, हॉर्स ट्रेडिंग अभी बाकी है होना, ठीक है। तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा, शायद अभी इंडिया एयरलाइंस ने नीतीश कुमार जी को क्या ऑफ़र देना है, क्या ऑफ़र दे पाएंगे वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए। और प्रधान ये सबसे पहली बात है कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था तो बिहार से ही शुरुआत हुआ था और नीतीश कुमार जी उसके प्रमुख एक चेहरा थे तो इंडिया ब्लॉक में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, मगर वो इंडिया ब्लॉक छोड़कर चुनाव के क्रम में चले गए और चुनाव में जाने के बाद क्या फिर से वापस आने के बाद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे नहीं होंगे ये कहना बहुत ही अर्ली फेज होगा। मगर सीरियसली एक बिहार के वोटर होने के नाते, बिहार एक बिहारी होने के नाते ये हम सब के लिए गर्व की बात होगी कि नीतीश कुमार जी बिहार से अगर कोई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करता है या बिहार से कभी कोई पहला प्रधानमंत्री देश का अगर बनेगा तो ये हर एक बिहारी के लिए गर्व की बात होगी। और हम समझते हैं कि देश का हर एक दुनिया में हर एक जगह जहाँ जहाँ बिहारी मौजूद होगा वो सभी बिहारी इस बात को पे गर्व महसूस करेगा कि अगर बिहार से कोई किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में अगर बिहार से मुख्यमंत्री होगा तो ये बहुत बड़ा बिहार के लिए बहुत सम्मान की बात होगी, बहुत अभिमान की बात होगी। तो हम लोग भी चाहेंगे कि हो सकता है, मगर बहुत अर्ली फेज होगा इसके बाद। एक बात, ये क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको लगता है कि पहले ही तय किया गया हो कि नीतीश जी आप जाइए भाजपा के साथ में सरकार में, आप जा करके वोट मतलब कि उधर जा करके चुनाव लड़िए, ज़्यादा सीट जीत जाइए, उसके बाद में ये, क्योंकि नीतीश कुमार की जो भाषा रही कि ये तो प्रधानमंत्री है ये है अब तो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके अलावा कई ऐसे बातें हैं और अभी अब फोन नहीं उठा रहे अमित शाह का फोन, तो इससे साफ नहीं क्लियर हो रहा है कि ये हो सकता है पहले से प्री प्लान हो? देखिए, राजनीति में संभावनाएं खुली रहती है, जब आप राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है और अभी शायद नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड उस कंडीशन में शायद हो है और आने के कगार पर है कि जहां वो प्रधानमंत्री पद के लिए बार्गेन कर सकता है, शायद बिना JDU के NDA सरकार केंद्र में नहीं बना सकती है तो लाजिम है कि उनको बार्गेन करना चाहिए। और मैंने बोला कि बहुत इंडिया ब्लॉक छोड़कर नीतीश कुमार जी खुद से गए हैं और इंडिया ब्लॉक छोड़ने के पीछे उनका क्या कारण रहा है यह जग जाहिर है, वो बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इंडिया ब्लॉक में, तो इंडिया ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं ये आज जो परिणाम देखने को मिल रहा है केशव जी कि NDA अलायंस जो है 272 का मार्क जो है वो पार कर गया
वो 272 का मार्क नहीं पार कर सकता था, इसको रोका जा सकता था और हम लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो गई, खासतौर से खैर बिहार के लोगों से गलती हो गई। बिहार में जो समीकरण बीजेपी के खिलाफ जो समीकरण बनाने का प्रयास किया गया वो समीकरण पूर्ण रूप से विफल हो गया। यहाँ बड़े पैमाने पर वोट का पोलराइजेशन जो है वो शिफ्टिंग दूसरे खेमों में ज़्यादा हो गया। आपके मैं आपको लगातार बोल रहा था कि बिहार के अंदर आरजेडी से मुसलमान असहज महसूस कर रहा है, बड़े संख्या में मुसलमान असहज महसूस कर रहा है, और जेडीयू का इतना स्ट्राइक रेट होना और वो सारे सीमांचल के बेल्ट में जेडीयू का दबदबा होना और किशनगंज जैसी सीट पे जेडीयू का कंटेस्ट करना, वहाँ पर जेडीयू का दो नंबर पे रहना, कई लंबे दौर तक राउंड तक जेडीयू लीड कर रही थी वहाँ से, साढ़े चार स्पष्ट हो गया कि मुसलमान के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम समाज जो है एक पुछलग्गू है भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल से मुसलमान अलग नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं सब समीकरण अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि बिहार की समीकरण बदल रही है और बिहार में जो जातीय समीकरण जो बनाया जा रहा था वो आरजेडी के पक्ष में अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। और कहीं ना कहीं बड़ी गलती तेजस्वी यादव से हो गई है। तेजस्वी यादव शायद अपने आप में रह गए, लगातार हेलीकॉप्टर घुमाते रह गए। मुकेश सहनी को लेकर कहने से पहले मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुकेश सहनी से कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये हम लोगों की समझ से बाहर रह रहा था हमेशा। और हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि मुकेश सहनी को इतना प्राथमिकता देना, उससे कहीं ना कहीं हम मुस्लिम समाज बहुत असहज महसूस कर रहा था, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की बिहार के अंदर, 17% 18% की आबादी को आपने असहज कर दिया। मुस्लिम नेता मंच से गायब हो गए, मुसलमान नेता रैलियों से गायब हो गए, मुसलमानों की भागीदारी खत्म कर दी गई। आरजेडी के द्वारा केवल दो सीट पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारना, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों ने ये ठान लिया था कि आरजेडी से हमको इस बार सबक सिखा देना है, और आरजेडी अधिकांश सीट लूज कर गई। अगर आरजेडी समीकरण बढ़िया से साध के बहुत कम मार्जिन से अगर देखा जाए तो अररिया का जो सीट था शाहनवाज जी 20,000 के मार्जिन से वो मात्र चुनाव हारे हैं। चुनाव का अंतरण वही रहता है, चुनाव का क्लोज फाइट सब जगह थी। क्लोज फाइट में हम लगातार कह रहे थे कि 5% वोट शेयर से बहुत सारे सीटों का रूपरेखा बदल जाएगा, बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। केवल 5% वोट का जो अंतर होगा वो भारी पड़ जाएगा, और वो जो 5% का वोट शेयर है पूरे बिहार में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं वो जो 5% का खास तौर से मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी से सरकता हुआ दिखा, और ये बड़ी खतरे की घंटी राष्ट्रीय जनता दल के लिए अभी भी है। विधानसभा में बहुत बड़ा खतरा का घंटी अलार्म बज गया भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के लिए, कि आप जिस प्रकार से लगातार मुसलमानों को दरकिनार कर रहे थे, अलग कर रहे थे, अपने आप से हिना साहब का टिकट ना लेना वहां से, और हिना साहब के खिलाफ आपका प्रचार करना, पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ आपका कैंप करना, ये बहुत सारा ऐसा मामला है जिससे कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट मामला को किया जा सकता था। एक तरीके से देखिए आप तो जो हिना साहब का मामला है वहां पे अवध बिहारी चौधरी और इनका दोनों आदमी का अगर सीट देखिएगा तो ये लगभग ज्यादा जो जीत रही है विजय उनसे बहुत ज्यादा सीट इनके पास इनके वोट आ रहा था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, बस ये लोग जाकर के ये लोग देखिए समीकरण को साध नहीं पाए, और आप अपने आप को सुप्रीम बनने की कोशिश कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सब बेहतर हो रहा है। मगर आज अगर एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 272 का बेंचमार्क पार कर पाई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान तेजस्वी यादव का है। ये जो वोट का ठेकेदारी बनाकर रखे थे, खासतौर से मुसलमानों का वोट का ठेकेदार जो बन रही थी आरजेडी और आरजेडी की पार्टी, वो वोट अगर जो शिफ्ट कर गया खास तौर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ, वो अगर वोट आपके पास होता तो आज परिणाम अगर 20 सीट महागठबंधन बिहार में जीत पाती तो निश्चित रूप से एनडीए 272 के बेंचमार्क से पीछे रह जाता, और देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने का काम आसानी से आपको दिख रहा होता। और निश्चित रूप से आज अगर मोदी जी सत्ता में बरकरार रह जाते हैं या दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी गलती तेजस्वी यादव को और स्वीकारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप पे भरोसा करके वोट दिया था, उस वोटों का जो आपने बर्बाद करने का काम किया और आपकी स्ट्रैटेजी आपकी पॉलिसी खराब होने के कारण आज जो 270 का जो 2 का जो बेंचमार्क जो क्रॉस कर गए उसकी भी जवाबदेही आपकी है, और वो समाज खासतौर से मुस्लिम समाज इसका जवाब आपसे विधानसभा में भी पूछेगा कि आपको हम किस ट्रस्ट के ऊपर वोट करें, क्योंकि आपके के वोट के करने के कारण भारतीय जनता पार्टी 272 का मार्क क्रॉस कर गई। बिहार में केशव जी बस कल्पना कीजिए
कि आप 8, 9 और 10 सीट की जगह पर आप 20 सीट जीतते। आप अगर 20 सीट जीतते तो निश्चित रूप से समीकरण अभी कुछ और होता, सरकार बनाने की दावेदारी कहीं और से पेश हो रही होती और इंडिया ब्लॉक सरकार में होता, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी बार्गेन करने की स्थिति में अभी शायद उतना अच्छा से नहीं है, उनको शायद बार्गेन करना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास सीटें जीत चुकी है और इंडिया एनडीए ब्लॉक 290 प्लस की स्थिति में है, तो बार्गेन करना नीतीश कुमार जी को मेरे समझ से अभी इतना आसान नहीं होगा। नायडू भी उधर से तैयार है, कह रहे हैं कि जो कुछ होगा नीतीश जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अभी बहुत ही अर्ली फेज है, अभी दावेदारी पेश हुआ नहीं है इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या होगा नहीं होगा। मगर ये मान लीजिए कि बिहार में बड़ी असफलता महागठबंधन को लगा और उसकी सबसे ज्यादा जवाबदेही तेजस्वी यादव जी की तय होगी इसमें। लेकिन तेजस्वी का भी क्रेज इस बार गिरा है, ये भी बात है। निश्चित रूप से हम लोग तो कह रहे थे 400 का हवा है, ये हवा हवाई आंकड़ा है। 1.5 लाख पिछले बार 6.5 लाख के मार्जिन से जीते, इस बार 1.5 लाख का परिवर्तन, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद आपको किसी इलेक्शन में नहीं मिला था, जहाँ पे धर्म का नारा काम नहीं कर रहा था, जनता अवेयर हो गया थी, जनता जागरूक थी, धर्म के नारों में नहीं फंस रही थी, जातीय नारों में नहीं फंस रही थी। आप समझिए कि राम मंदिर जैसे बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चल रहा था, वहाँ पे अयोध्या में फैजाबाद से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास शायद नहीं हो सकता था कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को आपने तेजस्वी जी ने मिस किया। जिस प्रकार से काउंटर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने महाराष्ट्र में किया, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने किया, वही कंडीशन अगर बिहार में होता तो निश्चित रूप से एनडीए जो है सत्ता से बाहर होता और एनडीए को सत्ता में बरकरार हो जाने का जो मलाल अगर रह जाएगा इंडिया ब्लॉक को, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तेजस्वी यादव पे ही होगी और शायद 2025 का विधानसभा आरजेडी के लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। तो सहान परवेज है ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इसलिए सत्ता में हो सकता है कि नहीं आए क्योंकि बिहार से बेहद खराब प्रदर्शन हुआ है तेजस्वी यादव के द्वारा, क्योंकि ये जो जितना लोगों को लेकर के घूम रहे थे, मुकेश सहनी को खास करके हेलीकॉप्टर पर लेकर के घूम रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उससे फायदा नहीं मिला है। मुकेश सहनी को 3 सीट दिया गया, 3 सीटों में से 1 सीट भी उनका नहीं निकला है और कोई भी सीट 1 लाख के कम मार्जिन से नहीं निकले, मतलब हारे हैं, हर सीट वो हारे हुए हैं। बाकी अखिलेश यादव की तरह अगर ये काम हुआ होता तो आसानी से सत्ता बन सकता था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।